नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आसियान कंट्री के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे आज। आसियान को कैसे याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन आसियान के कंट्री नहीं है। तो आसियान के कंट्री आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊँगा। एक्चुअली आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आसियान में कितने कंट्री है। तो आसियान में 10 कंट्री है। याद करने का देखिए, पहले तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि 8 अगस्त 1967 को ये मतलब कि गठित हुआ था आसियान कंट्री। आप कह सकते हैं मेंबर इसमें सब एकजुट हुए थे। तो आसियान को कैसे याद रखें कि 67 में गठित हुआ था, तो आसियान 7 जैसा कुछ सेंस दे रहा है लास्ट में, तो 7 होगा, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। देखिए, अगर इसके वर्किंग लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश है। हालांकि इसके जितने भी कंट्री हैं उसके जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आप कह सकते हैं मातृभाषा है जो भी है किसी भी कंट्री के, वो इसके लैंग्वेज यूज किए जाते हैं इसके कामकाज में। लेकिन वर्किंग मतलब कि मेन एक होता है ना कि सभी देश जिसको फॉलो करते हैं वो इंग्लिश है। फर्स्ट मीटिंग की बात करें तो इंडोनेशिया में हुआ था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जकार्ता में है। अब याद कर लेते हैं इसके ट्रिक को कि कैसे इसके कंट्री को हम याद करेंगे। देखिए, MBBS कैप्टन IPL TV में, मतलब कि अगर कोई कॉलेज है MBBS की पढ़ाई उसमें बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्रिकेट खेलता है MBBS वाले बच्चे, तो उसके जो कैप्टन है अब IPL में आ गए, IPL के टीवी में आ गए, मतलब कि अच्छा खेलता होगा MBBS की पढ़ाई छोड़ के वो IPL के टीवी में आ गया, यानी कि IPL खेलने लगा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं MBBS कैप्टन IPL TV में। यहाँ पे देखिएगा कैप्टन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके हम एक एक वर्ड मतलब लेटर का मतलब समझ लेते हैं। M4 मलेशिया, B4 बर्मा, B4 ब्रुनेई, S4 सिंगापुर। कैप्टन को कंबोडिया से हमने लिखा है, सी लिख सकते थे लेकिन कैप्टन लिख दिया ताकि चीज़ें याद हो जाए। कैप्टन को कंबोडिया से, IPL को इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, और TV को थाईलैंड और वियतनाम से। देखिए, T4 ताइवान आपको अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसको टिक नहीं मारना है, क्योंकि ताइवान इसके कंट्री नहीं है। 10 कौन कौन से हैं अगर आपको मैप में मैं दिखाऊं, जिससे कि और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो मैप को आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिएगा मैप है, ठीक है। एक मिनट, ये इसको हटाऊँ तो कैसे हटाऊँ यार, एक मिनट, नहीं हट रहा ना, तो फिर भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इसी मैप से। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे ये है आपका, ये है बर्मा, उसके बाद लाओस है, उसके बाद थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन होते हैं ना, तो साउथ ईस्ट एशिया में, देखिए साउथ ईस्ट में तो ये आ जाता है ना, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ईस्ट में आ रहा है, इंडिया ईस्ट में नहीं है, ठीक है। इंडिया साउथ मिड में है, ठीक है। ये ईस्ट वाला पार्ट में ये है, तो ईस्ट में है। यहाँ पे म्यांमार है, लाओस है, 1 2 3 थाईलैंड हो गया, चौथा वियतनाम हो गया, पांचवा कंबोडिया हो गया, छठा मलेशिया हो गया, सातवां सिंगापुर हो गया, यहाँ पे ये ब्रुनेई है, आठवां ब्रुनेई है, और ये नौवां इंडोनेशिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा फिलीपींस दसवां है, ठीक है। अब देखिए क्लियर हो रहा होगा, दसवां फिलीपींस है, और यहाँ पे देखिएगा ताइवान, ताइवान ये वाला जो कंट्री है वो नहीं है। तो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन जो एसोसिएशन है उसमें कौन कौन से है, ये आपके म्यांमार हो गए, लाओस हो गए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया थाईलैंड, चौथा हो गया वियतनाम, और पांचवा हो गया लाओस, छठा हो गया कंबोडिया, सातवां हो गया मलेशिया, आठवां हो गया फिलीपींस, नौवां हो गया ब्रुनेई, और दसवां हो गया यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया दसवां हो गया। ब्रुनेई कहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाता है बार बार यार, ये एक मिनट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा, ये अब जाके दिखा, देखिएगा ब्रुनेई, ठीक है। तो इस तरह से आपके 10 कंट्री हैं वो आसियान के हैं। और आसियान का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, देखिए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, और ये जो साउथ ईस्ट एशियन वाले जो कंट्री हैं वो आपस में मतलब कि इतने कमज़ोर थे, जिससे कि इनको लगा कि बाहर वाला हम पे कब्जा कर सकते हैं या बाहर वाले का इंटरफेयर हो सकता है। तो इस वजह से आपसी सौहार्द बनाने के लिए, आपसी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंडिया, चाइना या आपके पाकिस्तान वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।